नाजरीन मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा आपको। कल नवाज शरीफ ने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने मेरे कायद इमरान खान के लिए क्या अल्फाज बयान किए, मैं आपको उसके क्लिप के बाद हकीकत से रोशनास करवाऊंगा। आए चलें पहले क्लिप देखते हैं। इसके 4 साल जो हैं वो जरा मेरे 4 सालों के साथ जरा उसका मुकाबला तो करें और फिर खुद लोग देखेंगे कि हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। हम इसका विरसा जो है वो हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए ये हुकूमत संभाली है और वरना इसने जो हालात पैदा कर दिए थे पाकिस्तान के वो तो एक बिल्कुल तबाही के किनारे हम चले गए। और आप कंपेयर कर रहे हैं अपने 4 साल को इमरान खान के 4 सालों से, तो मैं आपको बताता चलूं वो जो 3 साल आया था इसने तो हमें जगाया, हम तो सो रहे थे, तुम्हारी हकीकत से रोशनास करवाया, वो तो अभी भी लगा हुआ है मुल्क के चोरों के पीछे, छोड़ेगा नहीं, चुन चुन के बदला लेगा अपनी कौम के तुम सब से। इमरान खान के दौरे हुकूमत में लेबर नहीं मिल रही थी, तुमने 9 महीने में 70 लाख लोग बेरोजगार कर दिए, मुल्क को माशी बदहाली, बेरोजगारी, डॉलर 270, पेट्रोल नायाब, लोड शेडिंग। शरीफ या जरदारी खानदान तुम लोगों को छींक भी आती है तो तुम बाहर चले जाते हो इलाज कराने। खान कंटेनर से गिरा, खान को गोलियां लगी, मुल्क से भागा नहीं, मुल्क से छोड़ा नहीं, मुल्क छोड़कर नहीं गया, आज भी मुल्क में मौजूद है और लड़ रहा है अपनी जंग अपने मुल्क अपने आवाम के लिए।